हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नॉलेज हंगामा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको AKTU 2020 इंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप AKTU 2020 इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस बार उसका एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। इसमें हम आपको उसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, टोटल एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताएंगे, इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे और इसी तरह से बहुत सी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट अगर आप AKTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी एक वीडियो से आप सभी चीज़ों के बारे में आसानी से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो देखिए, अगर आप AKTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं और उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी के बॉयज़ हैं तो इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फीस होगा वो होगा 1300 रुपये। वहीं पर अगर आप SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं या फिर किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं या फिर किसी भी कैटेगरी के हैंडीकैप्ड हैं तो इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस होगा वो होगा 650 रुपये। जब आप AKTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपको इन एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा। इसको आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। ऑनलाइन मोड मतलब या तो क्रेडिट कार्ड से, या तो डेबिट कार्ड से, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। अब हम आपको बताते हैं AKTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, मतलब किस डेट को क्या होने वाला है। तो देखिए, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो आएगा जनवरी के लास्ट वीक में। अभी डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, बट आप ये मान के चलिए कि जनवरी के 4th वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट डेट है इस फॉर्म को ऑनलाइन करने का वो है 3rd वीक ऑफ मार्च, मतलब मार्च के 3rd वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होगा। फिर उसके बाद जो आपका करेक्शन होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वो होगा मार्च के 4th वीक में। फिर उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा अप्रैल के 2nd वीक में। फिर उसके बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है मेन, वो है 10 मई 2020 को। फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा जून के 1st वीक में। उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी जून के 3rd वीक से। अब हम आपको बताते हैं इसके एग्जाम सेंटर के बारे में। तो देखिए, इसमें से कुछ एग्जाम सेंटर यूपी के अंदर ही हैं और कुछ एग्जाम सेंटर यूपी के बाहर हैं। तो इसमें जो आपके यूपी के अंदर हैं उसमें टोटल 41 एग्जाम सेंटर हैं और जो आपके यूपी के बाहर किसी अदर स्टेट में हैं उसमें टोटल 16 एग्जाम सेंटर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूपी के अंदर कौन कौन से एग्जाम सेंटर हैं। नंबर 1 आगरा, नंबर 2 इलाहाबाद, नंबर 3 बरेली, नंबर 4 सीतापुर, नंबर 5 जलाउन, नंबर 6 कानपुर देहात, फिर उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, मथुरा, बलिया, बस्ती, इटावा, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, मऊ, बांदा, कानपुर नगर, बिजनौर, गाजीपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, आजमगढ़, शाहजहाँपुर, झांसी, देवरिया, लखीमपुर खीरी, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, अलीगढ़, खुशीनगर, फैज़ाबाद, रायबरेली, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी। तो यही ऐसे 41 एग्जाम सेंटर हैं जहां पे आप चाहें तो AKTU के लिए इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूपी के अलावा दूसरे स्टेट्स में कौन कौन से ऐसे एग्जाम सिटी हैं जहां पे आप AKTU के लिए उसका इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें 16 एग्जाम सिटी हैं जिनमें नंबर 1 भोपाल, पटना, देहरादून, दिल्ली, रोहतक, रांची, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, रुड़की। तो ये रहे आपके 16 एग्जाम सेंटर जो कि यूपी के बाहर हैं। आप चाहें तो इन एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हैं और यहाँ पे जाके अपना AKTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जब आप AKTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आपको इन्हीं एग्जाम सेंटर्स में से 3 एग्जाम सिटीज को चूज करना होगा। जो 3 एग्जाम सेंटर्स आप चूज करेंगे तो उन्हीं में से एक एग्जाम सेंटर आपको अलॉट होगा। एक बार जो एग्जाम सेंटर आपको अलॉट हो जाता है फिर वो चेंज नहीं होता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से एग्जाम सेंटर को फिलअप कीजिएगा, बहुत ध्यान से एग्जाम सिटीज को चूज कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि AKTU के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप AKTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करने वाले हैं तो इसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर की भी वहाँ ज़रूरत लगती है, फिर उसके बाद आपके थंब इंप्रेशन की भी वहाँ ज़रूरत लगती है। ये सभी चीज़ें वहाँ पर अपलोड होते हैं, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर लगती है। अगर आप AKTU 2020 इंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास एक ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप AKTU का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो जो आपका सिग्नेचर है उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 3 KB से लेकर 40 KB के बीच में होनी चाहिए, और वहीं पर जो आपका फोटोग्राफ है उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है कि आपको AKTU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। जो आपका AKTU का ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsee.nic.in। जो भी आपके रिजल्ट आते हैं, जो भी आपकी काउंसलिंग होती है, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होते हैं या फिर AKTU एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो कोई भी काम होता है वो सभी काम इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है और उसका एक पासवर्ड होता है, उसके थ्रू आपको लॉगिन होना होता है। लॉगिन होने के बाद वहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करना होता है। ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको करनी होती है। ये सभी चीज़ें करने के बाद वहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना होता है। पेमेंट की रसीद आपको मिलती है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे होती है। ये सभी चीज़ें करने के बाद आखिर में जाके आपको एक कन्फर्मेशन पेज शो होगा, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा और आगे काम के लिए रख लेना होगा, क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत लगती है। AKTU में क्या होता है कि इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी कन्फर्मेशन पेज या फिर कोई भी हार्ड कॉपी आपको AKTU की यूनिवर्सिटी में नहीं भेजनी होती है। सिंपली अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। आप चाहें तो AKTU के एप्लीकेशन फॉर्म को खुद से ही ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ जाके उससे करवा सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप करेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनैलिटी के बारे में। तो देखिए, अगर आप AKTU 2020 एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंडियन होने चाहिए। अगर आप NRI, PIO, FN मतलब फॉरेन नेशनल्स कैंडिडेट्स हैं तो भी आप चाहें तो AKTU का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, इसमें एज को लेकर कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब आपका एज कितना भी हो आप AKTU का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप भी एलिजिबल हैं AKTU के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए। अपीयरिंग मतलब अगर आप अभी क्लास ट्वेल्थ में हैं, अगर अभी क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हैं तो आप भी AKTU के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए एलिजिबल हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में, मतलब अगर आप कोई कोर्स करने वाले हैं तो उसको करने के लिए आपके क्लास ट्वेल्थ में कौन कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए या फिर कितना परसेंटेज होना चाहिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। नंबर वन, बीटेक। अगर आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। और वहीं पर अगर हम इसके परसेंटेज के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इसके लिए आपके क्लास ट्वेल्थ में 45% होना चाहिए। और वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो इसके लिए आपके क्लास ट्वेल्थ में मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर इतना है तो आप AKTU एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। नंबर टू, बी फार्मा। वहीं पे अगर आप बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और वहीं पे अगर हम इसके परसेंटेज के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम 40% होना चाहिए। नंबर थ्री, अब हम आपको बताते हैं MBA कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप MBA कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपका कोई एक यूजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके ग्रेजुएशन में आपके यूजी कोर्स में मिनिमम 50% मार्क्स बनना चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स बनना चाहिए। नंबर फोर, तो इसके लिए भी आपका कोई एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए भी आपका कोई एक यूजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और आपके क्लास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट आपके क्लास ट्वेल्थ में कंपलसरी है। तो जो आपने यूजी कोर्स किया हुआ है उसमें अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो उसमें मिनिमम आपका 45% मार्क्स बनना चाहिए। अगर इतने परसेंट मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप MCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। नंबर फाइव, लीड। अब हम आपको बताते हैं लेटरल एंट्री के बारे में। तो जैसा कि आप AKTU एंट्रेंस एग्जाम में बीटेक कोर्स में लेटरल एंट्री ले सकते हैं, बी फार्मा कोर्स में लेटरल एंट्री ले सकते हैं और MCA कोर्स में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब है कि आप उस कोर्स के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं।
तो देखिए, अगर आप बीटेक में लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं तो जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में या फिर जो आपने बीएससी किया हुआ है उसमें, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, और वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पर अगर आप बी फार्मा कोर्स में लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, उसके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका फार्मेसी में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, और उसमें अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 45% मार्क्स बनना चाहिए, और वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स बनना चाहिए आपके डिप्लोमा में।